आप देख सकते हो मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कुलीग ज्यादा खुश है, पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। इस उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में मनु को जहाँ पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीजों में हेल्प मिली है, और OGQ उनका मदद करती है, और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफी बूस्ट अप है, और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु कितने समय से जो है मेहनत कर रही थी शूटिंग का, कितने किस एज में उसको शुरुआत हुई? मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। 2021 में एक बार मनु का हौसला टूट गया था, 4 महीने का छोड़ दिया, तब कैसा लगा था आपको, कैसे दोबारा? नहीं, मनु सोच रही थी कुछ और करने के लिए, और वो मनु की पुरानी आदत है, जैसे वो थांग था और कराटे में नेशनल जीतने के बाद आके हमें बता देती थी, पापा मैं अभी 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 नहीं खेलूंगी या गेम चेंज करूंगी, तो पुरानी थी, तो हम उसको जस्ट नॉर्मल उसको लिया था कि भाई वो उसका वो है। तो आगे के इवेंट से उनके लिए कैसे आप उनको कुछ करना चाहेंगे? अभी कुछ और इवेंट्स, अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है अभी, बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है, तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले दो। कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं आप इस मेडल? सर मीडिया आ गया, एक मिनट। हाँ, कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं? कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखिए, शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरत थी शूटिंग गेम में ना, इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 20,000 के करीब, स्पेशली हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं, तो इससे मैं ये कहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा और ये गेम अपने आप में नई ऊंचाइयों पे जाएगा। मनु किसी गेम में रुचि थी या कुछ और चाहती थी करना? मनु क्या, मनु कुछ और चाहती थी खेलना, कुछ किसी और गेम में रुचि थी? नहीं, मनु ने बहुत सारे गेम चेंज किए हैं ना, 10th तक बहुत सारे गेम किए हैं। कराटे में वो नेशनल में सिल्वर मेडल है उनका, तंगथा में 3 बार वो नेशनल चैंपियन रही है, स्केटिंग में भी वो अच्छा करती थी, और बचपन में मिनी क्यूबा को जानते होंगे, वहाँ पे बॉक्सिंग में वहाँ पे छोटी एज में चैंपियन थी, उसने बहुत सारे गेम किए हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि शूटिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट गेम है तो शायद यहाँ पे टिकी हुई है। क्या कहोगे, क्या कमाएंगे, कुछ बोलो, क्या कहूँ, आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे? हाँ, करांगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे, सोना की टूम गाल दूंगी, चैन गाल दूंगी, और क्या करूँ, कुछ बनाओगे बेटी के लिए, पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, यही आओगी जब बनाऊंगी। अब देश में पूरे विश्व में 3rd नंबर पे आ गई है। हाँ, ठीक है, मेडल अच्छा है, अच्छा बढ़िया बेटा। डॉक्टर बन पाऊंगी, बनकर नहीं तो अच्छी डॉक्टर बनेगी, तो फिर तो डॉक्टर ही बन जाए, मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की, मेरे घर में एक डॉक्टर रहेगा, इसलिए ये था मेरा मन। आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अब नेक्स्ट उसके क्या उम्मीद कर रहे हैं, नेक्स्ट मेडल रहेगा? मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही हूँ, वैसा ही महसूस कर रही हूँ। मैं मनु की बड़ी ताई जी हूँ, और निर्मला देवी मेरा नाम है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ है बिटिया का? गोल्ड मेडल की आस थी, लेकिन खुश हूँ ब्रॉन्ज आया है। तो आगे 2 और गेम है, क्या उम्मीद रहेगी उनसे, गोल्ड मेडल की उम्मीद है? किस तरह का व्यवहार है मनु का, घर आती है तो कैसा माहौल रहता है घर में? मनु बहुत मिलनसार बच्ची है, बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों से प्यार करती है, बहुत अच्छी। खाने में पसंद है मनु को? मनु को
खाने में खीर मतलब सब्जी रोटी करके घर का खाना बहुत पसंद है मनु को, बाहर नहीं खाती बिल्कुल भी। तो दुआ करेंगे आगे दो मैचों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल दुआ करूंगी और मैं भगवान से प्रे भी करूंगी कि गोल्ड लेके आए मेरी बेटी। आप देख सकते हो मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कलीग ज्यादा खुश है, पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। इस उसके लिए मैं आप सबका देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में मनु को जहाँ पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है वहाँ से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है और OGQ उनका मदद करती है और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफ़ी बूस्टअप है और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु कितने समय से जो है मेहनत कर रही थी शूटिंग का, कितने किस एज में उसको शुरुआत हुई? मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। 2021 में एक बार मनु का हौसला टूट गया था, चार महीने का छोड़ दिया, तब कैसा लगा था आपको, कैसे दोबारा? नहीं, मनु सोच रही थी कुछ और करने के लिए और वो मनु की पुरानी आदत है, जैसे वो थांगता और कराटे में नेशनल जीतने के बाद आके हमें बता देती थी पापा मैं अभी 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 नहीं खेलूंगी या गेम चेंज करूंगी, वो पुरानी थी तो हम उसको जस्ट नॉर्मल उसको लिया था कि भाई वो उसका वो है। आगे के इवेंट से उनके लिए कैसे आप उनको विश करना चाहेंगे? अभी कुछ और इवेंट्स, अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है अभी, बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले दो। ये कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं आप इसमें? सर मीडिया आ गया, एक मिनट। हाँ, कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं? कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखिए, शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी शूटिंग गेम में ना, इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं लगभग 20,000 के करीब, स्पेशली हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं, तो इससे मैं ये कहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और ये गेम अपने आप में नई ऊँचाइयों पर जाएगा। मनु किसी गेम में रुचि थी या कुछ और चाहती थी करना? मनु क्या, मनु कुछ और चाहती थी खेलना, कुछ किसी और गेम में रुचि थी? नहीं, मनु ने बहुत सारे गेम चेंज किए हैं ना, 10th तक बहुत सारे गेम किए हैं। कराटे में वो नेशनल में सिल्वर मेडल है उनका, तांगथा में 3 बार वो नेशनल चैंपियन रही है, स्केटिंग में भी वो अच्छा करती थी और बचपन में मिनी क्यूबा को जानते होंगे, वहाँ पे बॉक्सिंग में वहाँ पे छोटी एज में चैंपियन थी, तो उसने बहुत सारे गेम किए हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि शूटिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट गेम है तो शायद यहाँ पे टिकी हुई है।